पुलाव बनाने जा रही हूँ, वेज पुलाव। तो इसके लिए मैंने एक गिलास चावल ली हूँ और यहाँ पे मटर ली हूँ, हरा मटर है, और यहाँ पे गाजर है तो लंबे स्लाइस में मैंने इसे काट लिया है। और यहाँ पे खड़े मसाले है, तेज पत्ता है, जीरा है, लवंग है और मरीच है, काली मरीच है। तो चलिए सबसे पहले मैं चावल को धो के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चावल को मैंने धो के रख ली हूँ, देखिए कुकर को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो कुकर गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर जीरा डालूंगी सबसे पहले। जीरा हमारा चटक रहा है, अब इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगी जो मैंने प्लेट में निकाले थे सारे, तेज पत्ता है, लवंग है और काली मिर्च। अब इसके अंदर गाजर डालेंगे, हम मिक्स कर देंगे, चला देंगे, इसे 4-5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो अब इसके अंदर चावल डालेंगे, ऐड करेंगे। अब मटर और चावल को मिक्स कर देंगे इस तरह से चलाकर। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 गिलास चावल लिया था, तो इसके लिए हम 1.5 गिलास पानी यूज करेंगे। तो देखिए मैं 1 गिलास डाल रही हूँ और फिर 1/2 गिलास लेंगे, इतना ना ये ढेर, और फिर ये 1/2 गिलास पानी है इसके अंदर डालेंगे। और अब इसे चला देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। चलिए कुकर का ढक्कन हम लगाते हैं और ये 1 सीटी में हो जाएगा पुलाव। देखिए तो कुकर का ढक्कन अब बंद करने जा रही हूँ और 1 सीटी में पुलाव हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। तो देखिए वेज पुलाव बन के तैयार हो चुका है, खीरा खीला वेज पुलाव बन चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको वेज पुलाव की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।